माई डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टूडे वी विल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन, क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन फर्स्ट, पेज 134। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आंसर, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज एलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। क्वेश्चन टू, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। प्लीज 134, इसमें फॉर्मूला लिखना है। आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। यहां पर जो है वेयर एम ई मास ऑफ अर्थ, इसको एम वन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ एंड एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो फार्मूला जी एम ई एम अपॉन आर ई वही है, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर। स्क्वेयर करेंगे इसको, जी एम वन एम टू अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। तो एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। अंडरस्टैंड फ्री फॉल, मुक्त पतन। फ्री फॉल मीन्स इन हिंदी मुक्त पतन। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एलोन एंड नो अदर फोर्स इज प्रेजेंट देन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। यहाँ पर कंडीशन है क्या, कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की ओर गिरता है और उस पर केवल एक ही फोर्स लगता है, क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी एलोन एंड नो अदर फोर्स इज प्रेजेंट देन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, तो उसको जो है फ्री फॉल कहा जाता है। देखिए फ्री फॉल, इसमें ग्रेविटी फोर्स जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी फोर्स लगता है और कोई दूसरा फोर्स नहीं होता है, तो इसे फ्री फॉल कहा जाता है। देखिए इसमें कोई भी मतलब किसी ऊंचाई से दो ऑब्जेक्ट जो हैवी और लाइट है, एक हैवी है दूसरा लाइट है, उनको डाला जाता है तो वो इक्वल टाइम पर
अर्थ पर गिरते हैं, कोई स्टोन है और दूसरा कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, उसको जमीन पर डाला जाएगा, अर्थ पर डाला जाएगा, तो ऊपर से ऊंचाई से डालने पर समान समय में आते हैं। अब तुमको ये फीदर है या कोई कागज का टुकड़ा है और एक पत्थर ऊपर से डालें तो वो समान समय पर नहीं आते हैं। देखिए, इसमें जो कागज का टुकड़ा है उस पर उसका एरिया उसके वेट के अनुसार जो अधिक है तो उस पर एक फोर्स लगता है, अपोजिशन करता है, जो कि एयर का फोर्स होगा, इसलिए वो लहराता हुआ नीचे आता है और वो देर में आ पाता है। वो दूसरा फोर्स प्रेजेंट है अपोजिशन वाला, इसलिए टाइम लगता है उसमें। ठीक, तो ये फ्री फायर समझ में आ गया अच्छी तरह से। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? आंसर, द एक्सीलरेशन एक्वायर्ड बाई ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई जी, स्मॉल जी, यहाँ पर जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर वेयर एम मास ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड आर रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अभी इस समय इतना ही कोर्स में है, इसलिए और जो क्वेश्चन है इंटेक्स के वो अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी सिलेबस में फ्री फॉल तक ही है, फ्लोटेशन वगैरह ये नहीं है। एक्सरसाइज पेज 143, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या चेंज होगा? समझिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बी नो एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ मीन्स d/2, तो नया फोर्स क्या हुआ, एफ आर एफ डैश इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी अपॉन टू, आधा कर दिया गया डी अपॉन टू का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, यहाँ पर d/2 क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि इसको जो है डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, उसका स्क्वायर करेंगे। F1 यहाँ पर जो एफ डैश नया फोर्स जो है जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन फोर, देखिए यहाँ पर जो है होल स्क्वायर है तो डी का स्क्वायर हो गया और टू का स्क्वायर फोर हो गया, अपॉन फोर जी M1 M2 इंटू फोर अपॉन डी स्क्वायर, फोर को नी ऊपर ले गए ये तो क्या हो गया, ये फोर हो गया। कैलकुलेट करेंगे इसको अच्छी तरह से, एफ डैश अपॉन ऑफ एफ इज इक्वल टू फोर जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर जी M1 M2, इसको जो है रेशियो निकाला तो इसका जो है इससे ये पूरा कट हो गया, ये यहाँ कह रहेगा ये एफ एफ डैश इज इक्वल टू 4F, कितना हुआ एफ डैश इज इक्वल टू 4F। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज 4 times व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, 4 times व्हेन डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। समझ में आ गई है, इसको करिए, प्रैक्टिस करिए इसके। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि मास किसी का जो है डबल कर दिया जाता है, या दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाता है, या ट्रिपल कर दिया जाता है, दूरी हाफ कर दी जाती है या डबल कर दी जाती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
इस प्रकार से और कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासस। भाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। वी नो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ आर रेडियस ऑफ अर्थ। दस जी इज नॉट डिपेंड ऑन मास, जी इज नॉट डिपेंड ऑन मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हेंस ए हैवी बॉडी डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट बॉडी, देन ए लाइट बॉडी। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो समान लगता है, ये मास पर जो है डिपेंड नहीं करता है किसी ऑब्जेक्ट के, क्योंकि अर्थ का मास जो है बहुत अधिक है, तो इसकी सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट है उनके मास पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हेंस ए हैवी बॉडी डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10^24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10^6 m। यहाँ कितना है 6.4 × 10^6 m। तो 1 kg ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच जो है जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसको निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है। आंसर गिवन, मास ऑफ अर्थ m1 6 × 10^24, रेडियस ऑफ अर्थ r 6.4 × 10^6 m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 इज इक्वल टू 1 kg, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 6.7 × 10^-11 nm² अपॉन kg². एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² इसे कैलकुलेट करेंगे, सबकी वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, 6.7 × 10^-11 × 6 × 10^24 × 1 अपॉन ये रेडियस है 6.4 × 10^6 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.7 × 6 और इसको 24 से 11 माइनस कर दिए 10^13 आ गया, 6.4 × 6.4 × 10^12। समझ में आ गया, यहाँ पर जो है ये 6 × 2 = 12। नेक्स्ट है 40 + 20 / 40 + 96 × 10, ये 12 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10 बचे, ठीक है। 0.98 × 10 9.8 N। तो कितना है ये फोर्स लगा 9.8 N। नेक्स्ट देखिए, अपने पेन और
पेपर लेकर के इसको अच्छी प्रकार से कैलकुलेट करिए, समझिए, एक तो बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। वाई आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पर डिस्टेंस भी है, वेयर एम वन मास ऑफ अर्थ, एम टू मास ऑफ मून, आर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, अर्थ एंड द मून, समझिए। अकॉर्डिंग टू एबव फार्मूला द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द सेम फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ, तो यहाँ पर अर्थ और मून एक दूसरे को समान फोर्स से ही अट्रैक्ट करते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, यदि मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं मूव करता है? अंडरस्टैंड, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, द मून आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू विच अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द मून इन सर्कुलर ऑर्बिट, सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, देयर फोर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ इज नेग्लिजिएबल, प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ इज नेग्लिजिएबल, हेंस द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द मून, तो इस प्रकार से ये मून की तरह जो है मूव नहीं करती है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, क्रिएट होता है, जिसके कारण ये जो है एक दूसरे पर फॉल नहीं करते, गिरते नहीं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास को डबल कर दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, उनके बीच की दूरी को डबल कर दिया गया और ट्रिपल्ड कर दिया गया, थ्री टाइम्स, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, और एक कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल कर दिए गए, क्या असर पड़ेगा? आंसर, समझिए, वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर किसी कहीं कहीं आर लिया गया है, कहीं कहीं डी लिया गया है, तो इससे घबराना नहीं, वो बीच की डिस्टेंस है, बीच की जो है दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको जो है स्क्वायर करना है। इफ द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, किसी ऑब्जेक्ट का जो है इसमें मास डबल कर दिया, टू एम वन हो गया, देन एफ डैश नया फोर्स जी टू एम वन इन टू एम टू अपॉन डी स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया और उसका मास डबल कर दिया, तो एफ डैश टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, तो ये तो पहला वाला फोर्स है, उसको मास डबल करने पर ये भी डबल हो गया, क्या एफ डैश न्यू फोर्स इज इक्वल टू टू एफ,
क्या हुआ? 2F. सो द फोर्स इज डबल्ड, फोर्स इज डबल्ड. नेक्स्ट कंडीशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड देन डी डैश इज इक्वल टू 2D. मतलब डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया, तो नई डिस्टेंस 2D हो गया. न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन 2D स्क्वायर. अंडरस्टैंड, यहाँ पर डी डबल कर दिया, 2D स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन 4D स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 हो गया और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर. तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 4, एफ अपॉन 4. अंडरस्टैंड, सो द फोर्स इज डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. पहले जो वैल्यू थी उसके जो है चौथाई रह जाएगा ये. अब इसमें दूसरी कंडीशन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल कर दिया गया, देन डी डैश इज इक्वल टू, मतलब न्यू डिस्टेंस जो है 3D हो गया, एंड हेंस न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन 3D स्क्वायर. समझिए, 3D स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हुआ, तो 9D स्क्वायर. एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन 9. सो द फोर्स इज डिक्रीज टू 1/9 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स. 9वां ऐसा ही रह जाएगा, 1/9. अंडरस्टैंड, थर्ड कंडीशन, इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल. अब मास यहां पर जो है दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल कर दिए गए हैं. यहां M1 जो है ये 2m1 हो गया, m नया मास जो है 2m1, और दूसरा m2 डैश ये 2m2. देन f डैश इज इक्वल टू जी 2m1 इंटू 2m2 अपॉन डी स्क्वायर. f डैश इज इक्वल टू 4 जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर. यहाँ पर ये 2 × 2 = 2 या 4 हो गया, तो 4 f डैश इज इक्वल टू 4m. सो द फोर्स बिकम्स 4 times ऑफ द ऑफ इट्स ओरिजिनल फोर्स. अब आज यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे, इसको अच्छी प्रकार से जो है कर लेंगे. ठीक, बेस्ट ऑफ लक.